ये सर वगैरह सब दुख रहा है ना, बीमार होने का कोई मतलब नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। आज का ये व्लॉग संडे का है। देखिए ये सब मस्ती चलते रहती है। ये मोनी की छोटी सी बेबी रखी है हमने, और ये चार बकरियां हैं मतलब पकड़ पकड़ के खींच खींच के खेल रहे हैं आज उनके साथ। वो गेहूँ खाने में मशगूल है। ये देखिए इसके गेहूँ ख़त्म होने के बाद ये मेरे हाथ में मोबाइल है ना, वो भी कुछ खाने की चीज़ है बोलकर आई है नज़दीक। और ये लड़का है, ये बहुत परेशान करता है, मतलब जितना खींच के पकड़ेंगे उतना हमको खींचता है। और ये बकरी ने चीख मारी तो ये डरकर भाग गई। संडे 3-4 घंटे ऐसे ही खेलते हैं झाड़ों में वगैरह, मुर्गियों के साथ, कुत्तों के साथ, बकरियों के साथ। देखिए मैं मच्छी फ्राई कर रही हूँ। इसकी रेसिपी पहले से अपलोड है मेरे चैनल पर, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके साथ मैंने सॉस भी बनाया है। कल या परसों ही मैंने दोनों दांतों को ग्राफ्टिंग करवाई है, मतलब जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा बोन डिटोरेट हुआ था ना, वहाँ पर लगवा के आई हूँ। 4-5 टाँके भी है, और मेरा सर दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर जब भी तकलीफ़ रहती है, बीमार रहती हूँ, ये काम तो इतना रहता ही है, परेशान हो जाती हूँ। मुझे नहीं करना था आज, पर फिश है तो इसे रख भी नहीं सकते, और साथ में चिकन भी आया था, उसे धोकर नमक लगाकर फ्रिज में रख भी दी। और ये एक तरफ फ्राई कर रही हूँ। और आज मेरी हेल्पर भी, उसकी बहू गाँव गई है तो फिर उसको भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा बोलकर मैं थोड़े से बर्तन भी धो रही हूँ साथ में। और इसी तरह 2013 में मेरे आँखों का ऑपरेशन हुआ था, तब भी मुझे ऐसे ही काम गिरा था। अगर मेरी छोटी ननंद ये वीडियो देख रहे होंगे ना तो उनको पता चल जाएगा, हाँ भाभी बोलकर वो शायद कमेंट भी कर दें। क्योंकि उस टाइम में डॉक्टर ने बोले थे कि चूल्हे के पास मतलब गैस के पास मत जाइए बोलकर। फिर फिश लाने के बाद मेरी ननंद भी काफ़ी छोटे थे, भाभी मुझे तो आता नहीं, क्या करूँ बोले। मैं मसाला लगा के देती, तू फ्राई कर ले माँ बोली मैं। हाँ भाभी बोली। अब वो बच्चा कैसे करेंगी, वैसे ऐसे फ्राई करके रख दी, वो थोड़ा सा कच्चा ही फ्राई करी। जब पादरी साहब को खाने दिए तो उसमें से पानी निकल रहा, बोल के इतना ज़ोर से झगड़ा करे, गुस्सा करे। उनको ये एहसास ही नहीं होता है कि ये नहीं कर सकती काम, नहीं मंगवाना चाहिए बोलकर। जाने दो, हमेशा से ऐसे ही चलते आया है। आज तो दांत का है पर हो गया, फिर बाद में फील भी करते हैं अरे आज नहीं मंगवाना था ना बोलकर, लेकिन पहले तो गुस्सा कर लेते हैं ना। चलिए आज पास्ता बनाना था बोलकर मैंने काफ़ी सारा पास्ता उबाला, आपने वीडियो में पहले ही देख लिया। लेकिन दास भाभी की इधर से इडली का नाश्ता आ गया, और मैं और पात्री साहब ने नाश्ता कर लिया है इडली का। दोनों बच्चे नहीं किए हैं, यूसुफ तो स्कूल गया था और जहीन अभी सोया था, पर जहीन को पास्ता ही खाना था, फिर उसके लिए थोड़ा सा पास्ता बना लिए, बाकी का पास्ता रख दिए। देखिए जब काम ज़्यादा होता है तो बहुत ही ज़्यादा होता है परेशान करने के, उतना मुझे आज ये कपड़े हाथ से भी धोने पड़े। चलिए मैं दाल चावल भी बनाई हूँ और दाल चावल खा लेती हूँ। अभी मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया है, मैंने वीडियो को एंड भी कर दिया है। अब मैं दाल चावल खाऊंगी और थोड़ा सा रेस्ट करूंगी और यूट्यूब का काम करूंगी, मतलब यही वीडियो को एडिट करूंगी। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे, मैं भी बढ़िया। वैसे ये संडे का व्लॉग है, आपको 2 दिन या 3 दिन लेट मिलेगा क्योंकि मैं बीच में शॉर्ट वीडियोज़ भी डाल रही हूँ ना, तो इसलिए। पर संडे इतना ज़्यादा काम है मुझे, और कल ही मेरे दांतों को स्टिच करके आई हूँ मैं, बोन ग्राफ्ट करवाना था ना तो वो प्रोसेस हो गया है। तो फिर मतलब मैं इतनी ज़्यादा दर्द में परेशान हूँ। और जहीन जाने वाला है, उसे डिश बहुत सारे खाने हैं, मच्छी खाना है, चिकन बिरयानी खाना है, आए तब से चालू ही है और अभी भी है। और इससे पहले एक बार मेरे 2013 में आँखों का ऑपरेशन हुआ था, तब भी ऐसे ही परेशान हो गई थी मैं। पता नहीं जब मैं तकलीफ़ में रहती हूँ तो काम ज़्यादा रहता है। अभी 3 दिन से यूसुफ भी है ना, कलर ड्रेस ही डाल के जा रहा है, मतलब वो ग्रीन हाउस में है तो ग्रीन टी शर्ट और वाइट पैंट ही डाल कर जा रहा है। अभी कल 15 अगस्त के लिए भी वही डालना है उसको, तो फिर मतलब कैसा 15 अगस्त के लिए थोड़ा ज़्यादा साफ़ होना चाहिए, अच्छा कड़क प्रेस होना चाहिए, ये पहले से मुझे ऐसे ही लगता है। नॉर्मल तो कपड़े पाक ही धोती हूँ, पर 15 अगस्त का मैं कभी कभार तो हो सके तो नया भी ले लेती हूँ,
मुझे अच्छा लगता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को एकदम फ्रेश जाना। फिर अभी इतना थक गई हूँ मैं मच्छी बनाकर, फिर वापस दाल चावल बनाए, मतलब बर्तन भी बहुत ज़्यादा है और मेरी हेल्पर की बहू भी मायके गई है तो उसे भी थोड़ी सी मदद कर दी। ऐसा हो के है ना मेरा काम बहुत बहुत ज़्यादा हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अभी कपड़े धोने लगाई हूँ और अभी कपड़े धोने के बाद मैं बाहर नहीं डालूँगी। देखिए बाहर बादल है और बाहर डालने के बाद है ना वापस उसे देखते रहना पड़ेगा, बारिश आया क्या आया क्या। मैं पूरा वॉशिंग मशीन लगाकर अंदर ही डाल दूंगी। पहले बैठ के हाथ से धोई मैं उसकी पैंट वगैरह, अभी वॉशिंग मशीन दोबारा लगाई हूँ, अब अंदर बेडरूम में ही डाल दूंगी। अगर हो सके तो रात में सूख गए तो रात को प्रेस करूँगी, नहीं तो फिर सुबह सुबह प्रेस कर दूंगी। मतलब बीमार होने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से पूरे टाके हैं अंदर, ये सर वगैरह सब दुख रहा है। एनेस्थीसिया भी दिए थे ना 1.25 घंटे का, तो ऑपरेशन हुआ होगा। थोड़ा दांत का प्रॉब्लम है ही, जब से इम्प्लांट किया है ना तो थोड़ा थोड़ा हमने पीछे छोड़ा था ना, वो अभी सब हो गया। अभी ये पूरा होने के लिए 4 महीने लगेंगे, मतलब पूरा सेट होने के लिए। तो चलिए, क्या आप सब लोगों का भी संडे ऐसा ही हाल होता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अपना खूब ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।